our first lesson at Stump of Surgery from the book Footprints Without Feet. Lesson, the Stump of Surgery is written by James Herriot. ये जो लेसन है ये जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पे इसने बताया राइटर ने कि ट्रिकी जो है स्मॉल डॉग छोटा कुत्ता इज पैम्पर्ड. पैम्पर्ड मीन्स बहुत लाड प्यार से पाला गया है एंड ओवरफेड और उसको ज़्यादा खिला दिया गया बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा. ही फॉल्स सीरियसली इल और इससे क्या हुआ कि वो और ज़्यादा बीमार हो गया, यानी बीमार हो गया, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन. वेटनरी सर्जन जानवरों का डॉक्टर. तो जो उसकी मिस्ट्रेस है वो क्या करती है, जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती है, बात करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करता है, और डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता रिकवर करता है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे. पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट से वाई इज मिसिज पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी. जो मिसिज पंपरे है वो ट्रिकी के बारे में चिंतित है क्यों. वट डज सी डू टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प के लिए वो क्या करती है, और इज सी वाइज इन दिस, और ये जो उसने किया उसकी हेल्प करने के लिए क्या वो सही था. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में आई जो है वो किसको रेफर कर रहे हैं. लेसन जब स्टार्ट होता है तो आई कौन है, ये आई उसने पूछा है कि आई कौन है, तो हम पढ़ेंगे आगे देखते हैं कौन है ये. तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था. आई हैड टू पुल अप माई कार, मेरे को अपनी कार रोकनी पड़ी. वैन आई सा, जब मैंने देखा हिम उसे इन द स्ट्रीट गली में विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे गली में देखा तो मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी. एंड आई वॉज शॉक्ड, और मेरे को शौक लगा एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को देख कर. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो कुत्ता था अब क्या हो गया था, बहुत ह्यूजली फैट हो गया था, बहुत मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, एक ब्लोटेड उबला हुआ जो कबाब जैसे मांस को उबाल देते हैं ना, बेक नहीं करते वैसे उबाल देते हैं, तो उसके अंदर पानी सा भर के और वो अजीब सा रहता है, तो वो एक उबले हुए कबाब के जैसा लग रहा था. विद ए लेग एट द ईच कॉर्नर, और जिसके हर कोने में एक टांग थी. हिज आइज, उसकी आंखें जो थी ब्लड शूट, ब्लड शूट मीन्स रेड, बहुत ज़्यादा लाल थी. एंड ही हुमी स्टेयर्ड स्ट्रेट, बिल्कुल स्टेयर कर रहा था, स्ट्रेट सामने की तरफ देख रहा था. अहेड, उसके आगे. एंड हिज टंग, उसकी जो जीभ थी लॉल्ड फ्रॉम हिज जाओ, उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी. मिसिज पंपरे हेस्टन, मिसिज पंपरे जो है हिचकिचाती है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करते हुए ही वॉज सो लिस्टलेस, उसने कहा कि ये बहुत ही लिस्टलेस हो गया है मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट तो ये आई कौन है, ये आई है मिस्टर हैरियट. किसको बताती है, मिस्टर हैरियट को बताती है कि मिस्टर हैरियट ये बहुत ही लिस्टलेस बेजान सा हो गया है. ही सीम्ड टू हैव नो क्रेज, और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर क्रेज नहीं रहा है, इन सॉरी एनर्जी नहीं रही है, बिल्कुल बहुत एनर्जी लेस हो गया है ये. आई थॉट, मेरे को लगता है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, और उसको लगता है कि ये किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, मल न्यूट्रिशन से. वर्ड याद रखेंगे, मल न्यूट्रिशन. मिसिज पंपरे को लगता है कि मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, और इसलिए क्या किया इसने, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा, इसको मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ बिटवीन मील्स, खाने के दौरान, टू बिल्ड हिम अप, ताकि ये बिल्डअप हो जाए, ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, सेहत ठीक हो जाए इसकी. सम मेल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, कुछ इसके अंदर वो मेल्ट जो दे रही है, कोड लिवर ऑयल दे रही है, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स भी दे रही है. एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि अच्छे से सो सके. नथिंग मच रियली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अब डॉक्टर पूछता है, एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने काट दिया, ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब डॉक्टर पूछता है कि जो मैंने स्वीट चीज़ को काटने के लिए तुम्हें कहा था, इसके खाने में स्वीट थिंग्स मत डाला करो, क्या तुमने वो काट दी हैं. ओ आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ी देर के थोड़ा किया था मैंने ऐसा, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और ये बहुत ही वीक लगा और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाई, मेरे को इसलिए पछतावा हो रहा है. ही डज लव क्रीम केक, इसको क्रीम केक बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट, सो आई कैन नॉट बीयर टू रिफ्यूज हिम, और इसलिए मैं इसको रिफ्यूज नहीं कर सकी. आई लुक डाउन अगेन एट द डॉग, लिटल डॉग, मैंने कुत्ते की तरफ फिर देखा. दैट वॉज द ट्रबल, ट्रबल ये थी
अब डॉक्टर बता रहा है ट्रबल क्या है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का जो फॉल्ट है वो क्या है, लालच, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसको खाना रिफ्यूज करना नहीं आता, ही वुड टैकल ए मील, टैकल कर लेना डील कर लेना, वो कभी भी उसको खाना दे दो उसको टैकल कर लेगा, एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन के किसी भी टाइम या रात के किसी टाइम खाना दो वो खा लेगा, एंड आई वंडर और मुझे आश्चर्य था अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्प्रे हैडन्ट मेंशन, जिन चीज़ों को मिसिज पम्प्रे ने मेंशन नहीं किया था उसके बारे में सोच के मुझे आश्चर्य था कि मिसिज पम्प्रे ने ये बातें क्यों नहीं बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज दे रहे हैं? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, ये थोड़ी सी वॉक कर रहा है जैसे आप देख सकते हो, बट लेकिन हॉडकिंग जो है गार्डनर, याद रखें भाई वर्ड, ये हॉडकिंग है गार्डनर, गार्डनर है जिसका मिसिस पंपरे का, हैज़ बिन डाउन फ्रॉम लैम्बिगो, लैम्बिगो होता है लैम्बियगो की कमर दर्द से वो सफ़र कर रहा है, और सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और पिछले कुछ समय से जो रिंग थ्रो होता है जिसको फेंकते हैं और कुत्ता उठा के लाता है, वो रिंग थ्रो वाला जो गेम है वो ये नहीं कर रहा है। आई ट्राइड, अब डॉक्टर कहता है कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश की टू साउंड सर्व, सेवर होता है बहुत कठोर होने की कोशिश की, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट, अगर तुमने नहीं काटा, क्या नहीं काटा, हिज डाइट, इसकी इसके फूड को राइट डाउन अभी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज गोइंग टू बी रियली, ये वास्तव में बीमार हो जाएगा, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे स्ट्रिक्ट डाइट यानी खाना बहुत सोच समझ के खिलाना है, इसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मिसिस पंपरे रैंक्स हर हैंड, मिसिस पंपरे जो है अपने हाथ को घुमाती है, ओ आई विल, हाँ मैं कोशिश करूंगी, मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप ठीक हो, बट लेकिन इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो इसलिए सी, सो सी सेट ऑफ, और वो चल पड़ती है हेड डाउन सर को नीचे करके अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ डेट माइंड टू पुट द न्यू रिज्मे इनटू प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इमिडिएटली, कि वो नया जो रिज्म है यानी जो नए रूल्स हैं उनको वो लागू करेगी, ऐसा सोचते हुए वो रोड के साथ साथ चल पड़ती है। आई वॉच्ड, मैंने देखा देयर प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस को, विद द ग्रोइंग कंसर्न, चिंता के साथ, ट्रिकी जो ट्रिकी था ट्रोटरिंग ट्रोट चल रहा था अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, उसका जो ट्विड कोट है, ट्विड कोट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे इसने कपड़े डाल रखे हैं ये फैंसी कपड़े जो हैं इनके साथ जो ट्रिकी चल रहा था, ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास एक पूरा वार्डरोब था, वार्डरोब होता है कपबोर्ड, ऑफ दीज कोट्स, इन कोटों का, फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए अलग से, रेन कोट्स अलग से, फॉर द वेट डेज, ही स्ट्रगल्ड, वो स्ट्रगल करता है ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्शनेस, उसकी जो हार्शनेस है उसका जो फैशन है इसमें वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। आई थॉट, मेरे को पता था, मैंने सोचा इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर मिसेस पंपरे कॉल, मैंने सोचा था उससे इतना टाइम नहीं लगा, उससे पहले ही मिसेस पंपरे की कॉल आ गई, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, मिसेस पंपरे जो है वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंपरे जो है बहुत ही परेशान थी, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और अपनी फेवरेट डिशों को भी मिस कर रहा है या उनको भी नहीं खाता है, बिसाइड एंड और बिसाइड इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा इसके साथ दिक्कत क्या हुई है, इसने 2-3 बार वॉमिटिंग यानी उल्टी करना, 2-3 बार इसने बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग भी। मिसिस पंपरे कहती है ही स्पेंट ऑल इज टाइम लेइंग ऑन द रग, हमेशा कपड़े के ऊपर लेट के अपना टाइम बिताता रहता है और पेंटिंग हाँफता रहता है, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक्स, और वॉक के लिए भी नहीं चाहता, और डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता, आई हैड मेड माई प्लान प्लान्स इन एडवांस, अब जो नरेटर है या जो हैरियट है वो कहता है कि उसने अपना प्लान पहले ही बना लिया था, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी और आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, उसने प्लान बनाया था कि सिर्फ एक रास्ता है क्या, कि ट्रिकी को वहाँ से कुछ टाइम के लिए निकाल लिया जाए, उसके लिए एक रास्ता बनाया उसने, ही सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर नाइट, फोर नाइट फोर्ट नाइट याद रखेंगे, फोर्ट नाइट होते 14-15 दिन या 2 वीक्स,
उसने क्या प्लान बनाया कि उसको 14-15 दिन के लिए हॉस्पिटल से निकाल, हॉस्पिटल के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा टू बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो बेचारी औरत थी या जो मिसिस पंपरे थी, वो लगभग बेहोश होने वाली थी। सी वाज श्योर, उसको पक्का था कि ही वुड माइन, उसको दुख होगा, एंड ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसको हर रोज़ नहीं मिलती वो देखने के लिए तो वो बहुत दुखी होगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फर्म लाइन, एक मजबूत लाइन पकड़ी। डॉक्टर कहता है ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और अकेला तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने, मेरे को लगता है कि बगैर डिले के इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्प्रेज ऑफ वेलिंग, मिसिस पम्प्रेज ऑफ विलाप करती पीछे चलती है। आई मस्ट आउट, मैं बाहर निकला टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप इन ब्लैंकेट, और कुत्ते को कंबल में लिए हुए मैं बाहर निकलता हूँ। द एंटायर स्टाफ, जो जितना भी स्टाफ था, वाज रोज्ड, रोज्ड मीन्स ओक, जाग जाता है, एंड मेड्स रस्ट इन, जो मेड हैं, जो नौकरानी है, वो दौड़ती हैं अंदर की तरफ एंड आउट बाहर की तरफ। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका डे बेड लेके आती हैं, नाइट बेड लेके आती हैं, फेवरेट कुशंस को, टॉयज को, रबर रिंग्स को, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, सुपर बाउल और डिनर के लिए खाना, मतलब अलग अलग उसके लिए खाने के लिए बाउल अलग है। सुबह अलग बाउल, बाउल में खाएगा, दोपहर को अलग में खाएगा, डिनर अलग बाउल में खाएगा, उसके अलग अलग कपड़े वगैरह जो है वो लेके वो आती है। रियलाइजिंग दैट, इस बात को रियलाइज करते हुए दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये जितना स्टफ है ना, इतना सामान, ये तकिए, चद्दर, बेड, कुशन, कबाउल्स, इस चीज़ को मेरी गाड़ी होल्ड नहीं कर सकती, स्टफ को होल्ड नहीं कर सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। अवे एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं गया, मिसिस पम्प्रे जो है वो क्या करती है, विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, एक बहुत गहरी चीख मारती है, थ्रो एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, और छोटे छोटे जो कोट्स हैं, एक आर्म फुल कोट्स को विंडो से अंदर डाल देती है, कार के अंदर डाल देती है। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर में मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर साइड का मिरर होता है ना गाड़ी में, उससे मैंने देखा एवरीबडी वॉचिंग टीयर्स, सारे के सारे जो है रो रहे थे, मेड भी और मिस पेंट्री भी। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग, मैंने आगे जाके उस जो लिटिल एनिमल था उस एनिमल को हाँफते हुए देखा। ऑन द सीट बाई मी, ऑन द सीट बाई माई साइड आई पैटेड ऑन द हेड, मैंने उसके हेड के ऊपर पैट किया, थपथपाया, एंड लिटिल टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, और उसने वेक किया यानी हिलाने की कोशिश की अपनी पूंछ को। पुअर ओल्ड लेड, मतलब बेचारे लड़के या बेचारे कुत्ता, जिस तरीके से जो बात कही उसने, आई सेड, मैं कहता हूँ यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे में किक मारने की हिम्मत नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मेरे को पता है, मेरे को लगता है, आई नो, मेरे को पता है क्योर फॉर, क्योंकि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसिस पंपरे ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों है। ट्रिकी जो है, ट्रिकी इज मिसिस पंपरेज डॉग, ट्रिकी मिसिस पंपरे का डॉग है, एंड सी इज वरीड अबाउट हिम बिकॉज ही हैज़ बिकम अनहेल्दी, तो वो अनहेल्दी हो गया है। ही हैज़ बिकम वेरी फैट, यहाँ हमने पढ़ा था ही हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, और ही लुक्स लाइक ए ब्लॉटेड सोसेज, और हिज आईज ब्लड शूट एंड रियोमी, सो मिसेस पंपरे वॉज वरीड अबाउट हिम। सेकेंड क्वेश्चन है वट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस, तो यहाँ हम पढ़ के आए थे कि सी स्टार्ट, यहाँ हम यूज करेंगे सी स्टार्टेड टू गिव, सी स्टार्टेड गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स टू बोल्ड हिम अप, सम मेल्ट कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, बट दिस वॉज नॉट यूजफुल फॉर द डॉग, दिस मेड सी इज नॉट वाइज इन दिस बिकॉज दिस मेड ट्रिकी इज कंडीशन फोर्स, इसने इसकी कंडीशन को और भी खराब कर दिया था। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, स्टोरी में आई किसको रेफर कर रहा है, तो आई रेफर टू जेम्स हैरियट, आई जो है जेम्स हैरियट को रेफर कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर द डे, आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा लेसन को, प्रिपेयर द लेसन प्रॉपरली एंड स्टे होम स्टे सेफ, बाय।